चलो बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज का हम बैंक डिस्काउंटिंग पर क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया था और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, सुशांत रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक एन एक्सेप्टेंस फॉर ₹1 लाख। तो यहाँ पर गुड्स की जो सेल की ट्रांजैक्शन है उसकी बात नहीं गई, वो ट्रांजैक्शन कभी पहले हो चुकी होगी और रिकॉर्ड हो गई होगी। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है सीधा बिल ड्रॉ करने से लेकर। तो सुशांत ने बिल ड्रॉ करके कार्तिक को भेजा होगा, कार्तिक ने उस बिल को एक्सेप्ट किया होगा, साइन किए होंगे और वापिस से ये बिल भेज दिया होगा सुशांत के पास। तो साइन होने के बाद जब सुशांत को ये बिल रिसीव हो गया होगा तो सुशांत अपने पास इसकी जर्नल एंट्री कर देगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और कार्तिक अपने पास एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लेगा बिल्स पेबल के नाम से। 20 अक्टूबर की ये एंट्री है, ₹1 लाख की, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है। तो हम बिल ड्रॉ करने की सबसे पहले एंट्री कर लेंगे अपने पास 20 अक्टूबर 2020। बिल ड्रॉ हुआ, कार्तिक ने साइन किए और सुशांत को वापिस से ये बिल मिल गया। तो इस बिल की लीगैलिटी हो चुकी है, अब हम इसकी एंट्री कर सकते हैं। बियर अकाउंट डेबिट टू, ये बिल मिला है कार्तिक से। कार्तिक को यहाँ हमने क्रेडिट किया है, ऑलरेडी जब गुड्स की सेल की एंट्री डाली होगी तो कार्तिक को डेबिट किया होगा, डेटर बनाया होगा। तो अब हमने कार्तिक को क्रेडिट करके उस डेबिट बैलेंस को खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे पास एक और असेट्स आ गई है डेटर्स के बदले जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। कार्तिक भी अपने पास इसकी एक एंट्री डालेगा, और कार्तिक अपने पास क्या एंट्री डालेगा, बिल्स पेबल की लाइबिलिटी क्रिएट करने की। और ऑलरेडी इसकी बुक में जो सुशांत नाम से क्रेडिटर होगा जब परचेज की एंट्री डाली होगी तो सुशांत क्रेडिटर बना होगा, तो उस लाइबिलिटी को खत्म कर देगा सुशांत को डेबिट करके, और बिल्स पेबल के नाम से एक नई लाइबिलिटी अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा। ये एंट्री होती है जब हम बिल ड्रॉ करते हैं और सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो उसके बाद दोनों की बुक्स में इस तरह से ये एंट्री डल जाती है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोला, सुशांत इमीडिएटली गॉट दी एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड, इमीडिएटली मतलब कि 20 अक्टूबर को ही एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड, डिस्काउंट करवा लिया एक्सेप्टेंस को, मतलब कि इमीडिएट पेमेंट उसको चाहिए थी और उसने इमीडिएट पेमेंट ले ली, डिस्काउंट करा लिया। कहाँ से मिल गया होगा, बैंक से ये डिस्काउंट हो गया होगा, और बैंक ने जो चार्जेस लिए होंगे वो चार्जेस की बात कही है 12% पर एनम, यहाँ पर वर्ड यूज है पर एनम, 1 साल का 12% के हिसाब से, 1 साल का 12% के हिसाब से। लेकिन जो 1 लाख रुपए हमें बैंक ने इमीडिएटली आज पैसे दे दिए, बैंक को वो पैसा कब मिल जाएगा, बैंक को बच्चे वो पैसा मिल जाएगा 3 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने का ये टाइम पीरियड है बिल का। 3 महीने के बाद बैंक कार्तिक के पास जाएगा और वहां से इसको पैसा मिल जाएगा। तो जो चार्जेस बैंक हमसे लेगा वो 12% तो पूरा साल का है, 12% पर एनम पूरे साल का है, लेकिन हमें 3 महीने का कैलकुलेट करना है। जितने महीने के लिए क्रेडिट होगा उतने महीने का ही तो चार्जेस लिया जाएगा, क्लियर। तो अब जब इसकी एंट्री होगी बैंक इमीडिएटली डिस्काउंट करवाने की, तो सेम डेट पे 20/10/2020 को सुशांत को पैसे मिल जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन सुशांत के पास से ये डॉक्यूमेंट BR चला जाएगा। पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन ये 1 लाख रुपए का डॉक्यूमेंट चला जाएगा। अब बात आती है इसमें सुशांत को कितने रुपए मिलेंगे, कितना डिस्काउंट चार्जेस होंगे, उसकी कैलकुलेशन मैं यहां आपको नीचे करके दिखा देता हूं। 1 लाख रुपए का बच्चे ये बिल था, 1 लाख रुपए पे 12% पर एनम, अगर ये 1 साल के लिए उधार होता 12 महीने के लिए तो 12% यानी 12,000 रुपये होता।
लेकिन ये उधार है सिर्फ 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद बैंक को पैसा मिल जाएगा कार्तिक से। तो 12,000 पूरे साल का है, तो 3 महीने का बच्चे हो जाएगा 3,000 रुपीज। 3,000 रुपये बैंक यहाँ पर चार्जेस लेगा और रिमेनिंग अमाउंट सुशांत को दे देगा। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस सुशांत के लिए एक्सपेंस है। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। 3,000 रुपये के चार्जेस लगेंगे और सुशांत को 97,000 रुपीज रिसीव हो जाएंगे, 97,000 रुपये मिल जाएंगे। बात आती है कार्तिक की बुक में क्या एंट्री होगी। कार्तिक का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। कार्तिक को तो पता भी नहीं होगा कि सुशांत ने इसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया, और कार्तिक को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता इस बात का। कार्तिक तो कहेगा मैंने 1,00,000 रुपये देने हैं इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट। जब इसकी ड्यू डेट आएगी, कोई भी पर्सन, चाहे सुशांत आए, चाहे बैंक आए, एक्स वाई जी कोई भी आए, मेरे पास वो ये डॉक्यूमेंट लेकर आएगा। मैं ये डॉक्यूमेंट चेक कर लूंगा, ओरिजिनल है, अपने पास रख लूंगा, इसको कैंसिल कर दूंगा और बदले में पेमेंट कर दूंगा, मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर। तो अब आगे क्या बात कही है, अगर हम आगे देखें, आगे क्वेश्चन में बोला ऑन द ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट है उस डेट को ऑन द ड्यू डेट कार्तिक पेड द बिल अमाउंट। कार्तिक ने बिल का अमाउंट पे कर दिया। ड्यू डेट बच्चे क्या बन जाएगी, 20th अक्टूबर में 3 मंथ्स ऐड कर देंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 20th जनवरी 21 प्लस 3 डेज यहां पर ऐड हो जाएंगे ग्रेस के, तो 23rd जनवरी 21। वैसे तो बच्चे अगर बैंक को 23 तारीख को पेमेंट मिलेगी तो सिर्फ 3 महीने नहीं, 3 दिन और भी बनते हैं जो बैंक को ब्याज लेना चाहिए। बट हम यहां पर ग्रेस पीरियड का इंटरेस्ट छोड़ देते हैं बिकॉज वो पॉइंट में आंसर आएगा, तो हम जो कंप्लीट मंथ है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रैक्टिकली जितने डेज बनते हैं बैंक तो बच्चे पूरे डेज का इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। क्लियर। तो जहां पर ये 3 डेज की बात होगी, अगर हम डिस्काउंटिंग चार्जेस की कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय हम थियोरेटिकल पर्पज से 3 डेज को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली तो जितने डेज बनते हैं, बैंक का अपना सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, वहां पर डालेगा एग्जैक्ट जितने भी दिन है उतने दिन का कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्लियर। तो चलो अब ड्यू डेट बन जाती है इसकी हमारे पास 23rd जनवरी 21। अब इस डेट को क्या एंट्री हो जाएगी, इस डेट को सुशांत की बुक में क्या एंट्री होगी, सुशांत की बुक में बच्चे नो एंट्री, क्योंकि सुशांत को पैसा मिल चुका है, 20 तारीख को ही पैसा मिल गया था और बीआर डॉक्यूमेंट अब सुशांत के पास है ही नहीं, तो सुशांत अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। यस, कार्तिक को तो पेमेंट करनी ही है, 23 तारीख को बैंक इसके पास पहुंच जाएगा और बैंक कहेगा लाओ जी पैसे लाओ। कार्तिक को अपने पास ऑल द टाइम कोई भी लेने आए उसको तो यही एंट्री डालनी है, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। चाहे इसके पास सुशांत आए, चाहे बैंक आए, चाहे एक्स वाई जी कोई भी आए, कार्तिक कहेगा मेरी तो एक लाइबिलिटी थी बिल्स पेबल के नाम से और ये लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई है, तो मैं तो बीपी को डेबिट करूंगा। बिल्स पेबल की एक लाइबिलिटी क्रिएट की थी क्रेडिट करके, तो जब भी पेमेंट होगी इसी बिल्स पेबल को डेबिट किया जाएगा टू बैंक, चाहे सुशांत आए, चाहे बैंक आए, चाहे कोई भी आए। नरेशन में लिख सकता है कि मेरे पास सुशांत आया या बैंक आया। तो यहां पर 23/1 को ये एंट्री हो चुकी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुशांत एंड कार्तिक, दोनों की बुक्स में एंट्री मांगी थी और हमने दोनों की बुक्स में एंट्री डाल दी। डिस्काउंटिंग चार्जेस समटाइम्स क्वेश्चन में डायरेक्ट डिस्काउंटिंग चार्जेस बता देगा या कह देगा कि सुशांत को 97,000 रिसीव हो गए, राइट, या फिर वो आपको परसेंटेज देगा। परसेंटेज मोस्ट ऑफ द केसेस में पर एनम दी जाती है, ध्यान रखना पर एनम पूरे साल की, लेकिन आपको देखना है कि वो जो बैंक पैसा दे रहा है वो कितने टाइम पीरियड के लिए दे रहा है, मतलब बैंक को वापिस पैसा कब मिल रहा है, कितने टाइम बाद। ये 3 महीने का भी हो सकता है, ये 2 महीने का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है,
जितने टाइम पीरियड के लिए बैंक वो क्रेडिट दे रहा है उतने टाइम पीरियड का ही वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिसे यहां पर बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है।